हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 है, इसमें आप किस तरह इसको प्राप्त करने के लिए आवेदन आप कर सकते हैं और इसके कौन कौन से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, कौन लोग इसमें शामिल है और किस पोर्टल पर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो ये न्यू योजना यहाँ जारी की गई है वो आपके यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो आपके टूल बेनिफिट्स है इसके तहत आपको यहाँ जो फ्री सिलाई मशीन है वो आपको यहाँ दी जा रही है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आप जाएंगे और आपके जो बेनिफिट्स हैं इस योजना को लेकर वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो औजार किट पुस्तिका है इसकी विषय सूची आप यहाँ देख सकते हैं, इसको अच्छे से रीड आउट आप कर सकते हैं कि औजार किट पुस्तिका है इसमें आपके औजारों को लेकर कौन कौन से आपको बेनिफिट्स यहाँ दिए जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे 50,000 से अधिक राज्य की महिलाएं इसमें शामिल हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब महिलाएं हैं तो आप किसके लिए आवेदन कर सकती हैं। आपकी आयु 20 से 40 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। आपकी वार्षिक आय 1,20,000 से अगर ज्यादा नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। आपके घर में कोई राज्य सरकारी पद पर कार्यरत नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र या मोबाइल वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर आप यहाँ जाएंगे। इसके लिए आप यहाँ इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है CSC, इस पर आपको लॉग इन करना होगा और आपको एडमिट लॉग इन के लिए आपको यहाँ पे जो ग्राम पंचायत अधिकारी है यहाँ आपको लॉग इन करके देगा, या ULB अधिकारी है, या DM या DC है वो आपको यहाँ पे इस फॉर्म के लिए आपको लॉगिंग करके देंगे, वेरिफिकेशन करके देंगे। तो आपको ये फॉर्म है वो आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। आपको ये फॉर्म है फ्री सिलाई मशीन, इसमें कैंडिडेट का सबसे पहले आपको यह नाम देना होगा, आपका जो जेंडर है वो आपको देना होगा, आपका एड्रेस देना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो कास्ट है और आपका सिलाई मशीन आपको यहाँ आती है नहीं आती है ये आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपकी जो एनुअल इनकम है वो आपको फिल करनी होगी और आपने कभी सिलाई मशीन यहाँ पे पहले ली है तो इसकी जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड करनी होगी, आपकी फोटो यहाँ लगानी होगी और आपके सिग्नेचर है वो आपको यहाँ करने होंगे और आपके जो यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ इसके साथ अटैच करने होंगे। बाद में आपको ये सबमिट करना होगा। इसके लिए आप लॉगिंग पे जाएंगे, CSC लॉगिंग आप करेंगे और CSC रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो CSC आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका जो CSC पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो आपको CSC रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर कर देना है, आपका जो पासवर्ड है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड जो आपको दिया हुआ है वो कैप्चर कोड आपको यहाँ एंटर करना है और इसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे इन सभी को भरने के बाद यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि रजिस्टर नाउ के लिए आपको अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यस करना है, अगर कोई फैमिली में आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ नो करना है और नो करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपने कोई भी इसी तरह की कोई सिमिलर जो योजना है उसमें आपने लोन लिया हुआ है या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के माध्यम से या सेल्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के माध्यम से या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए EM EGP या फिर आपने कोई लोन आपने PM स्वनिधि या मुद्रा के रूप में अगर आपने कोई लोन लिया है तो आप इसमें यस नो अपने अकॉर्डिंग आपकी जो डिटेल है यस नो आपको करना होगा। अगर आप यहाँ नो करते हैं उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। आपका जो भी यहाँ पे आधार से लिंक आपका मोबाइल नंबर है उसको एंटर करना होगा। आपका जो भी यहाँ आधार बार डिजिट के आपके यहाँ पे आधार के नंबर है उनको आपको यहाँ एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चर कोड है वो आपको भरना होगा, डिक्लेयर आपको करना होगा, कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी आधार आपका अटैच मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP आएगा, इसे आपको एंटर करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे
आधार वेरिफिकेशन आपको करना होगा और इसके बाद आप क्लिक करेंगे और वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपका यहाँ बायोमेट्रिक आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक जब यहाँ पे कर देना है, इसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे मेडिकल स्टेटस है, आपका जो भी जेंडर है, आपकी जो भी कैटेगरी है, वो आप यहाँ पे सभी डिटेल्स को आपको फिल करनी होगी। तो आपका जो मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका जो जेंडर है, आपका जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दिव्यांग जन में आते हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना है। आप यस करते हैं तो आपको दिव्यांग जो टाइप है वो आपको डालना होगा। तो आपका यहाँ पे जो बिजनेस है वो आपका स्टेट में है तो आपको यस नो इसकी जानकारी देनी होगी। आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की जो जानकारी यस नो आपको करनी होगी। अगर आप यहाँ म्यूनिटी कम्युनिटी में आते हैं तो आपकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी है म्यूनिटी आपकी जो डिटेल है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी है पर्सनल डिटेल है उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आपका आधार है, पैन कार्ड है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो राशन कार्ड है उसके नंबर आपको यहाँ डालने होंगे। सभी डिटेल आपकी जो राशन कार्ड में है वो आपकी फ्रेश होकर ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगी। आप अपनी राशन कार्ड की जो डिटेल है वो आप यहाँ फ्रेश नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन एक और मिलता है कि आप यहाँ पे जो आपकी राशन कार्ड के अलावा आपकी जो यहाँ पे अदर जो आपकी यहाँ पे आपकी फैमिली मेंबर्स की डिटेल है, तो आपका फैमिली मेंबर का नेम, उनका आपसे क्या रिलेशन है और आपका जो आधार कार्ड नंबर है तो वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो आपको इसके बाद ऐड करते हुए जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनके नाम, उनसे आपके जो रिलेशन है वो और आपके जो यहाँ पे आधार कार्ड है उनका जो आपको यहाँ नंबर एंटर करने होंगे। इसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पे जो करंट एड्रेस है वो आपका आधार कार्ड से मैच होता है तो आपको यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देना है। अगर आपका अदर है ये तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी ग्राम पंचायत पे आप यस करेंगे, आपका ब्लॉक और आपकी जो ग्राम पंचायत है उसकी आप यह एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपका जो जो आता है वो आपका नेक्स्ट स्टेप आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आपकी यहाँ पे प्रोफेशनल आपके ट्रेड जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे क्लिक करनी होगी। तो आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है वो आपका सेम है, सेम इस पे आप क्लिक करेंगे। अदर है तो आप अदर पे क्लिक किया कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो पर्सनल आपकी ट्रेड डिटेल है तो आपको यहाँ बिजनेस एड्रेस है सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक कर देंगे और डिक्लेयर आप कर देंगे। अगर अलग है तो अलग पे आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या आपको जो आपकी सेविंग बैंकिंग डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपका जो भी बैंक का नेम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका IFSC जो कोड है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। IFSC कोड की एंट्री करने के बाद आपका जो भी ब्रांच नेम है वो आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका अकाउंट नंबर आपको डालना है और कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको यहाँ करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे लोन की जो फर्स्ट किस्त है आपकी जो 18 मंथ में आपकी यहाँ आती है और सेकेंड जो आपकी किस्त है वो आपको 2 लाख की है वो आपको 30 मंथ में आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अगर आप ये लोन बाद में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मे बी लेटर पे क्लिक करेंगे और अगर आप अभी चाहते हैं तो आप इसको क्लिक यहाँ पे नहीं करेंगे और नेक्स्ट पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो स्किल ट्रेनिंग है वो उसकी जानकारी आपको यहाँ दी जाती है। तो आपको यहाँ पे बेसिक आप यहाँ पे 5 डे जो स्किल ट्रेनिंग है उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई आप है और आप यहाँ पे एडवांस आपकी जो 15 डेज की स्किल ट्रेनिंग है उसके लिए भी आप यहाँ अप्लाई है। इसके लिए इसके बाद आपको यहाँ टूल किट है तो इसमें आपको 15,000 रुपये के बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ दिए जा रहे हैं तो 15,000 रुपये आपको यहाँ मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका मार्केटिंग सपोर्ट है इसके आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी यहाँ पे ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये जब सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे आप ये क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है वो रीड करना है, आई एग्री आपको कर देना है और सबमिट आपको कर देना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे फ्रेंड्स उसके बाद आपको एप्लीकेशन आपका सबमिटेड आ जाएगा, डन आपको करना होगा और डन करने के साथ जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट है वो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप डाउनलोड कर लेंगे और आपका जो भी यहाँ सर्टिफिकेट है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है और आप अपनी जो सिलाई मशीन है आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे SSC जो आपकी रजिस्ट्रेशन है इसके लिए भी हम आपको वीडियो बना के जल्द ही प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।